हेलो बच्चों, आज जो हमारी ये जो क्लास है ये है बीकॉम सेकंड ईयर की। बीकॉम सेकंड ईयर में मैं डॉक्टर दुर्गा सुनूंगी आप सभी का वर्ष 2021 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं फैकल्टी जो हूँ वो EAPM की हूँ, जिसे मोहनलाल सुखावला यूनिवर्सिटी में बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम से जाना जाता है। EAPM में हम लोगों के दो पेपर होंगे। पेपर वन जो है वो है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। सेकंड पेपर जो है वो आपका है मनी एंड फाइनेंस। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो सिलेबस है वो 5 भागों में विभाजित है। यूनिट फर्स्ट जो है यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बैंकिंग लेजिस्लेशंस इन इंडिया। इसके अंतर्गत हम RBI एक्ट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पढ़ेंगे। फिर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ेंगे और हम बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 पढ़ेंगे। एक एक करके हम ये टॉपिक उठाते जाएंगे। सबसे पहले जो हम बात करना चाहेंगे वो होगी बात भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1939 का। बैंकिंग अधिनियम 1949। आज के सिनेरियो जो देखा जाए बैंक जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। किसी भी देश में अगर बैंकिंग सर्विसेज अगर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होगी तो उसके विकास की बात तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसके लिए बैंकिंग का सबसे अच्छा डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग जो डेवलप होगी वो होगी भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत 1950 के। आज हम बात करते हैं कि इस एक्ट इस अधिनियम की क्या आवश्यकता होता है, क्यों ये एक्ट बनाने की जरूरत महसूस की गई है। तो अब हम बात करते हैं क्या आवश्यकता थी, अबाउट वॉट बिहाइंड इंडियन बैंकिंग एक्ट की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता। तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम बनाने की क्या आवश्यकता होगी, इसका पहला जो आवश्यकता है वो ये है भारत में बैंकों का निरंतर असफल होना। देखिए अध्ययन किया गया है पुराने और उसमें ये पाया गया है कि बैंक जो थे वो लगातार असफल हो रहा है। जनता का बैंक के प्रति कोई विश्वास नहीं था, या फिर हम ये कहें कि उनका विश्वास जो है पूर्णतः उठा हुआ था। बैंक में पैसे जमा कराने से ही डरते थे, उन्होंने बना से लोन लेने से डरते थे। उनका पूरा का पूरा अविश्वास था। इस कारण से बैंकिंग जो है वो भारत में निरंतर असफल होती थी, जिसके कारण से भारत में बैंकिंग अधिनियम को लाने की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा कारण हम लेते हैं बैंकों का
santé, te passe. देखिए भारत की बात की जाए तो वहाँ पर बैंकिंग जो है वो डेवलप नहीं थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमें यह उम्मीद महसूस हुई थी कि बैंकों का जो है संतुलित विकास के लिए उनका अच्छे से डेवलपमेंट होना जरूरी है। यहाँ पर शाखा विस्तार होना चाहिए, सारे के सारे शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। इसके लिए संतुलित एवं सुनियोजित ढंग के विकास की आवश्यकता है और जो बैंकों के लिए यहाँ पर नहीं था, इस तरह से भारतीय बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई और भारत में बैंकिंग कानून को कानून की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं वो है देशी बैंकर्स तथा संगठित बैंकिंग में समन्वय का अभाव। हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने की। पुराने जमाने में बैंकों में तो लोगों का विश्वास ही नहीं था, तो वो लोग छपे उनके लिए पैसों की आवश्यकता होती थी। वहाँ पर देशी बैंकर्स रहते थे, मनी लैंडर्स रहते थे, साहूकार उन लोगों से रहते थे, इन लोगों से भी पैसा ले करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। अब क्या बात होती है कि जो देशी बैंकर्स जो है और जो बैंकिंग है, इन दोनों के बीच में समन्वय का अभाव पाया गया। दोनों के दोनों जो है वो एक अपने आप को एक कंपटीशन या एक जो प्रतिस्पर्धा उन दोनों में रहती थी। तो प्रतिस्पर्धा होने के कारण उन दोनों में समन्वय का अभाव था, जिसके कारण देश में बैंकिंग विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था और साख नियंत्रण में भी कठिनाई हो रही थी। इस कारण से भारतीय बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार का अभाव। देखिए हमारे देश के आर्थिक विकास में संगठित मुद्रा बाजार जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन उस समय में बैंकिंग का ही विकास नहीं था, लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास ही नहीं था। देशी बैंकर्स और संगठित बैंकिंग में संगठित बैंकिंग जो थे उनके मध्य भी समन्वय का अभाव था, तो मुद्रा बाजार जो था वो सुव्यवस्थित और सुनियोजित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए मौद्रिक एवं साख नीतियों को सफल बनाना। अब जब बात की जाती है मौद्रिक नीति की या ट्रेड पॉलिसीज की, मॉनेटरी पॉलिसीज की, इसको कौन अप्लाई कर रहा है? इसको अप्लाई करने के लिए इसको अपना पहली बात तो ये करते हैं आज हम कि मौद्रिक नीति बनाता है। देश में मौद्रिक नीति जो है देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। वो अर्थव्यवस्था के विकास के पंक्तियों से मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। मौद्रिक नीति में बहुत सारी चीज़ें आती है, वो सबका डिस्कस हम लेटर ऑन करेंगे। तो अभी अभी आप ये समझ लीजिए कि मौद्रिक नीति और साख नीति, साख क्या होती है? क्रेडिट, उधार का पैसा चलाना, उसको रोटेट करना, मल्टीप्लायर्स इफेक्ट, ये भी हम आगे चल के और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो इन नीतियों को सफल बनाने हेतु
भारत में बैंकिंग कानून की आवश्यकता महसूस की गई है।